अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ, जिसका पूरे जिले की जिस जगह पर नजर लगी हुई है, परभणी जिले का कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस में एक ऐसा वाकया हो गया आज। आज है 8 सितंबर 2020। सितंबर 2020 को परभणी जिले के कलेक्टर ऑफिस में एक ऐसा वाकया हो गया। परभणी के निवासी उप जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति सूर्यवंशी, ये 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नांदेड़ के एसीबी के जाल में फंस गई है। इन्होंने ये रिश्वत एक इंजीनियर और एक कर्मचारी की सहायता से ली है। वैसे तो स्वाति सूर्यवंशी ये अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है ऐसा माना जाता है, लेकिन ये एक्सपर्ट बना उनका आज नजर आ गया है। गंगाखेड़ नगर पालिका के काम को लेकर, काम के चलते ये 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के कल्पना भारोकर और अर्चना पाटिल, इन लोगों ने ये प्लान बनाया है और स्वाति सूर्यवंशी को अपने जाल में फंसा लिया है। बीएसपी भरत दुबे और अतुल कड़ू के साथ परभणी की जो एसीबी की टीम है, शेख शकील और मुखिब, इन लोगों की सहायता से ये काम किया गया है। आप लोगों से एक अपील यह है एसीबी की जानिब से, परभणी के एसीबी की जानिब से, कि आपको अगर कोई रिश्वत की मांग करता है, कोई डिमांड करता है, तो ऐसे समय 1064 पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और रिश्वतखोरों को रिश्वत लेने से रोक सकते हैं। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। परभणी आज तक, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सैयद अकील।